छत्तीसगढ़ में जो है जल संसाधन विभाग में सहायक ग्रेड 3 और अभियंता के 545 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती, सबसे बड़ी अपडेट जो है निकल कर आ रहा है। आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की स्टडी कर रहे हैं, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी भर्ती जो है होने वाला है। इन दोनों भर्ती के लिए आपको बताऊंगा कि क्वालिफिकेशंस क्या होगा, एज लिमिट कितना होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा और किस तरह से आपको वर्क करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें सहायक ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा के, तो सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास हैं तो आप जो है सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कम से कम सिर्फ ऐसा नहीं है कि 12वीं पास हैं तो बस आवेदन करेंगे, नहीं, सहायक ग्रेड 3 के लिए एक वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स कम से कम होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर आपने डिग्री किया हो, चाहे आपने BCA किया हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, या फिर आपने DCA किया, डिप्लोमा कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, या फिर PGDCA किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो या PGDCA जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, देन चाहे आपने कंप्यूटर साइंस किया हो जो ग्रेजुएशन होता है, या फिर आपने जो लास्ट और सबसे अच्छा जो कंप्यूटर्स में आता है डिप्लोमा में वो है आपका ITI कोपा। तो इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका कंप्यूटर्स में सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप जो है सहायक ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो, डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो, डेफिनेटली आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, देन आपका सिलेक्शन इसमें जो है हो पाएगा। और यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती हैं, आप इसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बस मेहनत अच्छे से करना है। वहीं जो है उप अभियंता के भी 545 पोस्ट हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग जिन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं, चाहे आपने BTech किया हो या फिर MTech किया हो, तो जो भी स्टूडेंट जो इन्होंने PET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग किया हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती हैं। तो 545 पोस्ट कम नहीं होता। देखिए अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो एक एक पोस्ट जो है आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो, तैयारी करेंगे तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा कामयाबी और उतने ही ज़्यादा सक्सेस आपको फिर मिल पाएगा। तो आपसे यही बोलना चाहते हैं कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो, काम इतने शिद्दत से करो कि कामयाबी जो है शोर मचा दें। तो मेहनत आपको करते रहना है, कभी भी आपका विज़न जो है छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त और हालात परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, आपको हर एक वक्त अपने आप पर जो है भरोसा करना है, बिलीव करना है। और ज़िंदगी में ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि ये चीज़ें हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा, मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, आपको एक ही चीज़ सोचना है कि इस दुनिया में, इस 21वीं सदी में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी आप सोचते हैं वो हर एक चीज़ पॉसिबल है, वो हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। बस खुद के ऊपर भरोसा करना, अपने आप के ऊपर भरोसा करना, खुद के ऊपर फोकस करना, देन डेफिनेटली आपको कामयाबी मिल पाएगा, देन डेफिनेटली इसमें आपको सफलताएं जो है मिल पाएगा। इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है, क्योंकि हमारे आज की मेहनत हमारे आने वाले कल की सफलता दिलाएगा। वरना एक समय के बाद जब आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, तो एक समय के बाद आपको फिर ये महसूस होगा, ये रिग्रेट फील होगा कि काश यार हमने उस टाइम ये कर लिया होता तो ये बन जाते, वो कर लिया होता तो ये हो जाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। जब आपके पास टाइम है, जब आपके पास समय है ना, तो उस टाइम में अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप अपने फ्यूचर को नहीं बदल पा रहे हो, तो मतलब आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से सक्सेस, किसी भी तरह से कामयाबी आपको फिर नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हार्डवर्क करो, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, ज़िंदगी आपकी है जनाब, किसी और की नहीं है। इसलिए
वक्त रहते हुए संभल जाओ, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं तो यही चीज़ बोलता हूँ कि मेहनत अच्छे से करो, कामयाबी आपको डेफिनेटली जो है ज़रूर मिल पाएगा, क्योंकि सक्सेस भी चाहता है मेहनत। और मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल मेहनत का फल, मेहनत का रिज़ल्ट जो है अच्छा होता है, और मेहनत का रिज़ल्ट मिलता भी है। तो उसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना है, प्रयासरत रहना है। और आज आपके पास टाइम है तो मेहनत करो, और सहायक ग्रेड थ्री और उप अभियंता के पोस्ट की तैयारी आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा आपके कामयाबी जो है मिल पाएगा। सिर्फ सपने मत देखो, उन सपनों को भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, उन सपनों को भी पूरा करने के लिए मेहनत करो। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी मिल पाएगा, उतने ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। सो वर्क हार्ड बिग ड्रीम, अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, सपने ज़रूर पूरे होते हैं, बस उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना है, हमें मेहनत करते जाना है। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप सफल हो पाओगे, और उतने ही ज़्यादा सक्सेस और उतनी ही ज़्यादा प्रसिद्धि आपको फिर मिल पाएगा। तो मेहनत और अपने आप पर जो है भरोसा रखो। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना, और वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसी तरह से चैनल्स पर जो है नए नए वीडियोस, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस जो हैं मिलते रहेंगे। बस यही बोलना चाहते हैं कि जल संसाधन विभाग में सहायक ग्रेड थ्री और उप अभियंता के पोस्ट की तैयारी आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए, डेफिनेटली आपके सपने ज़रूर पूरे हो पाएंगे। सपने देखो, मैं ये नहीं बोलता कि सपने नहीं देखना चाहिए, सपने देखो, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन सपनों को भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना है, प्रयास करते रहना है। यकीन मानो, आपके सभी सपने, आपके सभी ड्रीम जो है, आपके सभी ख्वाब ज़रूर पूरे हो पाएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ख्याल रखो, आगे बढ़ो, कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यूं ही कामयाबी और यूं ही सफलता नहीं मिल जाएगी कि आज आपने सोचा और कल कामयाबी मिल जाए, नहीं। आपको उसके लिए लगातार लड़ते रहना, कोशिश करते रहना, तब जाके बेहतर रिज़ल्ट मिल पाता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर देना, ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी वीडियोस जो है पहुंच सकें और वो तैयारी कर पाएँ।